नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि मैं आज आपको आईटीआर के बारे में बताने वाला हूँ। देखो, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, छोटा मोटा धंधा कर रहे हो, ठेले का काम कर रहे हो, या कोई एजेंट वगैरह हो, कमीशन आ रहा है आपका, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस वीडियो को देखना ज़रूरी है, क्योंकि सभी साथियों के लिए ये वीडियो है। आईटीआर के बारे में आपको पूरा एक एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, इसका क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है, इसके साथ में इसको बढ़ने से क्या क्या आपको आगे चल के फ़ायदा होगा, कोई ये जो आपको क्या जरूरत होती है पैसों की, तो क्या मिलता नहीं मिलता है, ये सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। मैंने खुद अपना आईटीआर जमा कराया है और मेरे चार एसेट है, मैंने जो अपना चार बिजनेस ग्रोथ करके हैं और चार बिजनेस चल रहे हैं, तो मैं जो भी इनकम करता हूँ तो वो मैं अपना इसमें आईटीआर के हिसाब से जमा कराता हूँ। तो आपको क्या कराना जरूरी है या नहीं है, आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। ये वीडियो है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी साथियों के लिए, तो इसे डेफिनेटली कंटिन्यू देखना, 100% आपको इस वीडियो से फायदा ही फायदा होगा। कैसे होगा मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ, है ना। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि आईटीआर के बारे में उनको नॉलेज नहीं होता है कि भाई आईटीआर है, जो एक्चुअल में जो बड़े बड़े बिजनेस लोग होते हैं उनको बनना होता है। बहुत से जो कहते हैं कि भाई उनकी 10 लाख 15 लाख 20 लाख से उनकी होती है इनकम, उनको बनना होता है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि भाई आपकी थोड़ी बहुत भी कमाई है, यानी 10,000 15,000 भी कमा रहे हो, 20,000 भी कमा रहे हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आईटीआर भरे। आईटीआर का फायदा बहुत ज़्यादा है, आप सोच नहीं सकते इतना आपको आईटीआर से फायदा हो सकता है। मैं आपको एक नॉर्मल एक एग्जाम्पल बताऊँ दोस्त, यदि आपको लोन की जरूरत होती है किसी भी बैंक से, अपनी एचडी हो बैंक हो या कोई अपनी एचडीएफसी बैंक हो, एसबीआई हो, किसी भी बैंक से आपको पैसों की जरूरत होती है, पैसों की तंगी आती है, या किसी भी यानी पैसों चाहिए आपको, तो पैसे आपको नहीं देती है कोई भी कंपनी, नहीं देती है कोई भी बैंक, नहीं देती है, आपको धक्के काटने पड़ते हैं, भाई आपको पैसे दे दो, लेकिन कोई हेल्प नहीं करता है। मैं आपको रियल टाइम बताता हूँ, इसका फायदा ये है कि आपको जब पैसों की जरूरत होती है तब आप आईटीआर अपनी 3 साल की जमा करा के आपको पैसा मिल जाएगा। इसका फायदा बहुत है, पर आपको नॉर्मल एक एग्जांपल बता रहा हूँ जिससे आपको आइडियाज हो जाए। देखो, मैंने आइडिया मैंने अपना खुद का बना रखा है, मैंने जो अभी क्यों ये जो बनाया है, मैंने जरूरी समझा इसको, और मुझे जब इसका नॉलेज हुआ तो मैंने आपके साथ भी शेयर किया, जिससे आप भी इस चीज़ को समझ सको और आप भी अपना आइडिया बनाओ। देखो, अभी मैं आपको अपना जो भी ये जो है मैं आपको रिलेटिव बताना चाहूँगा। देखो, मेरे भी चार एसेट है, यानी चार तरीकों से मैं पैसा कमा रहा हूँ। अपना एक पहला है अपना LLC एजेंट कमीशन, कमीशन के बेस में मेरा कमीशन आता है। इसके साथ में मैं जो अभी दूसरा YouTube पे मैं काम कर रहा हूँ, तीसरा अपना जो दो शॉप है, दोनों शॉप अभी वर्किंग पे है, चल रही है मेरी, दो इलेक्ट्रिकल की है, और इसके साथ में मेरा जो अभी तीसरा जो स्टार्टअप हुआ जो सब्जी का है, ठेला है, वो भी चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखो मैं बहुत से तरीक़ों से पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन ये सब मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये जो मैंने इनकम सोर्स बताए हैं, ये सब इनकम सोर्स मैंने आईटीआर में दे रखा है। मैंने इस तरीके से पैसा कमाता हूँ, इतना तक कमाता हूँ, ये सब मैंने आईटीआर में जमा करा रखा है। तो अभी इससे गवर्नमेंट को भी ये पता रहेगा भाई कि इतना इतना पैसा कमाता है भाई, तो ये होता है। और यदि जो आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हो तब आप इनकम टैक्स के हिसाब से पैसा आप दे सकते हो, सैलरी के हिसाब से पैसा देना होता है। और यदि आप नहीं आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी जगह सेफ हो, एकदम सही तरीके से आप यानी गवर्नमेंट को बता रहे हो कि भाई जो भी पैसा कमाते हो तो वो एकदम सब सही है, ब्लैक मनी आपकी नहीं है, इससे आपको ये फायदा होगा। आपका कभी भी जो बाई चांस कुछ भी है जो रेट वगैरह लगे या जो पैसा ज़्यादा ट्रांसफर हो जाए, तो आपको पैसा जो ऐसा लगे कि भाई रेट लग सकती है, आपको कोई नोटिस आ सकता है, तो आपको ये आप आईटीआर दिखा सकते हो कि भाई इतना तक पैसा आता है, इतना तक जाता है, ये सारा प्रोसेस आईटीआर में आपको देखने को मिलता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे चल के फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैंने आपको बताया कि आपको कभी भी कोई भी लोन की जरूरत होती है, किसी बैंक में आपको धक्के काटने की जरूरत होती है, किसी भी जो अपने बड़े ऑफिसर के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, तो आपको सिंपल अपना आईटीआर जमा कराना है किसी बैंक में, येस बैंक हो, अपने HDFC हो, ICICI हो, किसी बैंक में आप जाना है और अपना जो भी आईटीआर है वो आप दिखा के आप लोन ले सकते हो, जो भी उसकी कैपेसिटी होगी वो बैंक आपको लोन दे देगी। ये इसका फायदा है, बहुत ज़्यादा इसका फायदा है, लेकिन मैंने जो आपको नॉर्मल बताया है बस बता दिया, ये बेसिक है आप सभी साथियों के लिए। आप कभी भी जो आप अपने इसको ये नहीं समझे कि भाई ये जो पैसा जमा कराना पड़ेगा या आपको यानी 10,000 15,000 20,000 रुपये उसमें जो इनकम टैक्स के हिसाब से पैसा भरना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये इनकम टैक्स के हिसाब से अलग है, ये आईटीआर है। एक्चुअल में जो आईटीआर का फाइल का ये होता है कि आपको इससे अपनी जो भी इनकम है, जो भी आप कमाते हो वो आप इसमें शो करते हो, भरना वरना नहीं होता है। जो भी इसका चार्ज होता है वो आपको 1,000 1,200 या ऐसे होता है, जो आपको ई मित्र वाल गए हैं या जो वकील हैं उनसे आप बना सकते हो। मैंने जो अपना खुद बनाया है अभी जस्ट, मैंने मार्च में जो अभी किया है, मैंने 3 साल का कंप्लीट करवाया है मैंने, तो अभी मैंने जो जस्ट मार्च में किया, तो मैंने अभी जस्ट मैं गया था और वकील मिला, वकील के साथ में जो मिल के मैंने जो उनको जानकारी चाहिए थी वो सब मैंने सबमिट करवाई, जो मेरे डॉक्यूमेंट मांगे थे जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड और अपने बैंक डिटेल्स, जो उनको मैंने सबमिट करवाई। सबमिट करवाने के बाद जो अभी मुरे को आईटीआर फाइल दे दी उन्होंने,
तो अभी जो मई के बाद में है, जो मेरी 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे मेरे ITR को, तो 3 साल की मेरी ITR कंप्लीट हो जाएगी, और जब मेरे को जरूरत होगी पैसों की तो मैं आराम से ले सकता हूँ, ठीक है। तो आपको बनाना चाहिए, मेरे हिसाब से फायदा ही फायदा आपको, और मैंने आपको बनाने के तरीके भी बता दिया भाई कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे जो अपने वकील को करना है, जो भी आपके आसपास में जो वकील है, वकील के हिसाब से आपको मिल जाना है, और वहाँ पे जो भी जानकारी मांगी जाती है आप दे देना है, सिंपल आपका ITR बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 5-6 हज़ार लगेगा तो उसको मत देखना, 5-6 हज़ार में आपको कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। जब जरूरत होगी आपको आराम से मिल जाएगा, और बाकी उसके बाद में जो हर साल आपको रिन्यू कराते रहो, उसको दिखाते रहो, तो आपको कोई चार्ज वगैरह इतना ज़्यादा झंझट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार फाइल चार्ज लगता है उनका, जो भी वकीलात का होते हैं वो आपको पैसा देना होता है, ठीक है। ये मेरा खुद अपना ओपिनियन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जो मैंने अपनी अभी जस्ट मैंने जमा कराई, तो मैंने आपको जो ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर कर दिया है। तो ये वीडियो ना अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और अपने जो भी साथी हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना, जिससे उनको भी ये आइडिया लगे कि भाई ये जो सच में ITR क्यों जरूरी है।